उसे चोट लग चुका है, कैसे लगा मैंने आपको चोट? ओह अच्छा, वो सीढ़ियों से उठ के जा रहा था, सीढ़ी से गिर गया। अरे अरे अरे, अब क्या होगा? रुको नैना, अभी तुमको ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले हम लोग को थोड़ा आइस निकालना पड़ेगा, उसके बाद वो आइस को एक थैले में ले लेना पड़ेगा। ये हम लोग अभी बर्फ डाल रहे हैं प्लास्टिक में, अभी ठीक हो जाएगा नैना का हाथ, देखना। उसमें थोड़ा सा हम लोग पानी डाल दिया, आराम से प्लास्टिक का पैकेट में थोड़ा पानी डाल के उसको बांध दिया। बांधने के बाद नैना का पैर में जहाँ पे चोट लगा है उसमें हम लोग वो पैकेट लगा के 30 मिनट तक रख दिया। ये देखो 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 कैसे नैना का ठीक हो गया जल्दी जल्दी। उसके बाद हम लोग उसको थोड़ा सा पट्टी बांध दिया, बैंडेज से थोड़ा बांध लिया, और हर 30 मिनट बाद हम लोग नैना को ऐसे सेक देंगे ठंडे पानी से। अभी देखते हैं नैना का हाथ में भी चोट लगा है, वो देखते हैं। उससे पहले नैना को दो तकिया के ऊपर पैर रखने के लिए बोल देते हैं। ये देखो नैना को कितना चोट लगा, अभी हम लोग एक काम करते हैं, एक सॉल्यूशन ले लेते हैं। काटने से जो लगाते हैं वो सॉल्यूशन थोड़ा ले लिया, उसका बाद हम लोग ने दो एयरबड्स ले लिया, या फिर एक एयरबड से सॉल्यूशन में थोड़ा लगा दिया। उसका बाद वो कटने वाला जगह को हम लोग ने अच्छी तरह से वॉश करना पड़ेगा, ताकि उसमें कोई कीटाणु ना रहे। आराम से देखो 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 कैसे कीटाणु सारा मरते जा रहे हैं। नैना तुम रोना मत, हम लोग है साफ। ये देखो 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 कैसे साफ हो गया। अरे रे 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 रे, देखो देखो देखो, अभी इसमें हम लोग आराम से पट्टी बांध देंगे। ये अभी नैना ठीक हो गया, देखो अभी आराम से हम लोग पट्टी करके फिर जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको हम लोग काट देंगे। ये किसी को चोट लगने से ऐसे पट्टी करना है, ठीक है बच्चों? अभी देखो नैना कितना सुकून से सो रहा है दोनों जगह पट्टी करके। चलो अभी नैना से हम लोग को क्या सीख मिला आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को काट, अगर कहीं पे चोट लगा तो बर्फ से उसको सेकना है। बर्फ से सेकना है। उसके बाद अगर बर्फ नहीं है तो कभी उस पे गर्म पानी नहीं देना है, गर्म पानी देने से वो ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हमेशा बर्फ से सेकना है, गर्म पानी नहीं देना है अगर चोट लगे तो। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या है। आप लोग को भी अगर चोट लगे तो कभी भी गर्म पानी मत दीजिए, हमेशा ठंडा पानी से उसको सेक दीजिए, ताकि जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए। उसके बाद अगर चोट लगा पट्टी करने के बाद उसको दो तकिया का ऊपर पैर को थोड़ा ऊपर करके रख दीजिएगा। ये नैना का अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। चलो चलो चलो, उसके बाद देखते हैं नैना कैसे गिरा। हमेशा हम लोग को सीढ़ी पे जाते तो धीरे धीरे चलना चाहिए, एक एक स्टेप हम लोग को उठना चाहिए। कभी भी सीढ़ी पे हम लोग को सीढ़ी का साइड में जो रेलिंग है उसमें बैठ के कभी भी हम लोग को नीचे नहीं रहना चाहिए। देखो नैना कैसे नीचे उतर के आ रहा था, इसलिए नैना गिर गया। तो हम लोग को कभी ऐसा रेलिंग पे नहीं आना है, ठीक है बच्चों? अब से इस बात पे सावधान रहना। देखो देखो देखो, ये हम लोग को नहीं करना है, ठीक है? फिर हम लोग को अगर कभी चोट लगे तो हम लोग को दौड़ना नहीं है, हम लोग को आराम से चल चल के जाना है, क्योंकि दौड़ने से हम लोग को चोट पे ज्यादा असर हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे कि तुमको पता चला हम लोग को दौड़ना नहीं है, ठीक है? अब देखते हैं गोलू का क्या हालत है। ये राम, गोलू कहीं पे खेल रहा था, गोलू कहीं पे खेल रहा था तो उसको कीड़े ने काट लिया हाथ पे, और उसका कान पे भी शायद कीड़ा घुस गया। अब क्या करें हम लोग? गोलू तो बहुत परेशान हो गया कीड़ों से। ओहो, चलो कुछ करते हैं हम। तो गोलू, तुम्हारा आंखों पे जो कीड़ा है उसके लिए तुम आंख को थोड़ा ऊपर कर लो, फिर नीचे से थोड़ा आंख को खींच लो। उसके बाद जो आई ड्रॉप है, थोड़ा सा आई ड्रॉप या गुलाब जल आंख में 3 ड्रॉप 3 बूंद दे दो, ताकि सारा का सारा
बुला के